जंगल। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों की। नरसिंहपुर के बरमान वन परिक्षेत्र कार्यालय के रिकॉर्ड रूम एवं वन रक्षक के क्वार्टर को अज्ञात लोगों ने आग के हवाले कर दिया, जिसके चलते पुराना रखा हुआ वन विभाग का रिकॉर्ड एवं वन रक्षक के घर के सामान एवं मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गई। दरअसल वन परिक्षेत्र बरमान में नया पौधारोपण प्रोजेक्ट के भ्रष्टाचार को लेकर एक जाँच दल कल जांच करने पहुंचा था और भ्रष्टाचार के कई तथ्य सामने आए थे और इसी दौरान रिकॉर्ड रूम कुआं के हवाले पर अपराधियों ने भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड को जलाने की कोशिश की और सीधे सवाल अब वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी पर उठ रहे हैं, जिनके ऊपर यह जांच दल चल रही थी। हालांकि वन विभाग आगजनी में संदेश से इनकार नहीं कर पा रहा है। इस घटना के बाद संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के अपराध को छुपाने के लिए यह आगजनी की गई है। कल दिनांक को मैं रात्रि में बलहरा गया था, वहां नाइट हॉल्ट किया था, तो किसी अज्ञात व्यक्ति ने हमारे परिषद सहायक निवास में आग लगा दी। हमारा जो शासकीय रिकॉर्ड था पुराना, वो जल गया है और बाकी बाजू में रहते महेश आचार्य विशेषकर तब बरमान हैं, उनकी मोटरसाइकिल रखी थी वो भी जल गई है और उनका पलंग अलग सूखा हुआ भी उनका सामान रखा था वो जल गया। नहीं, ऐसा प्रतीत नहीं होता है, पर ये कुछ ना कुछ तो उसमें हमको लग रहा है कि इसमें कोई कारस्थानी है। मैं एक्चुअल क्या हुआ था, कोविड पेशेंट हो गया था, तो पिछले लगभग 25 दिन से मैं यहाँ बरमान में नहीं था, अपने गृह निवास सोहोपुर में था। तो कल रात करीब 3:45 बजे यहाँ इको सेंटर में वो मोनू नाम का लड़का रहता है, उसने मुझे फ़ोन लगाया कि अंकल जी पेखान साहब वाले कमरा, डिप्टी साहब वाले कमरा में आग लग गई है। तो फिर उसके लिए चल रहा है, ज़रा बड़े अधिकारियों से बात चल रही है, वन विभाग के हमारे ही सब रेंजर साहब डिप्टी साहब लोगों से बात चल रही है। फिर जैसे भी होगा तो फिर मैं आपको और बताता हूँ, थोड़ा बहुत जो भी शक है तो उसके लिए मैं अभी आपको फिर बताऊँगा। अभी ज़रा अधिकारियों से बात चल रही है, फिर मैं आपको बताऊँगा। करेली से अभिषेक साहू की रिपोर्ट।